ना इसे स्वांकी का कहते हैं। इसके ये बहुत गंद होता है, इसमें सांप बिच्छू हर किस्म का जानवर होता है इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो कि पेंडू तो मैं हूँ मोहम्मद इज़्ज़तर। देखने की और वीडियो में खुश आमदी। मैं ना आज हम आए थे आपको थोड़ा सा ये बताने हैं। ये देखें, ये जो फला है ना, दिखाएं यार, ये अभी भाई ना वो कई लेके आए हैं, वो उससे निकाल रहे हैं, वो आगे ले गए हैं। ये अब जो बाद की फसल ख़त्म हो गई है, अब ये खाला साफ़ करके साफ़ कर दिया है। ये जो है कपास के खेत, इनको इसमें वो रोटावेटर वगैरह हल चला के बाद में ये खाले के ज़रिए पानी लगा के इसमें ना गंदम काश्त की जाएगी। और ये ना बिल्कुल रेतली ज़मीन है। ये देखें पीछे, ये जो आपने देखी कि रोई में होती हैं टिब्बे कहते हैं, और पंजाबी ज़बान में टिब्बे कहते हैं, और इसको उड़रोही भी कहते हैं, चोलिस्तान भी कहते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये पहाड़ी किक्कर है ना, ये काफ़ी तादाद में होते हैं। ये मैंने अभी भी पहाड़ी किक्कर का डंडा उतारा हुआ है। ये इधर इतना ज़्यादा है जिसका कोई हिसाब नहीं। इससे पहले भी आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैंने पूरा जंगल दिखाया था आपको। वो इसकी वजह से ना इसके कंडे इतने ज़ालिम होते हैं, एक कंडा लग जाता है बंदे की बस हो जाती है, इतनी दर्द होती है। तो ये आपको दिखाने का ये मकसद है, रोई चोलिस्तान वगैरह में ये ऐसे होते हैं। ये देखिए, ये ना इसे स्वांकी का कहते हैं। इसके ये बहुत गंद होता है, इसमें सांप बिच्छू हर किस्म का जानवर होता है इसके अंदर। इसमें ये देसी माखी भी लगता है, हम ढूंढ रहे थे वो मिला नहीं। ये जो बेरी का दरख्त है आप देख लें, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।